आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज शाम की चाय के लिए हम बनाते हैं गोभी के पकोड़े। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गोभी ली है, 2 हरी मिर्चें, 1 कटोरी बेसन, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 चम्मच नमक और तलने के लिए तेल। हमने गोभी को मोटी डंठल निकाल कर टुकड़ों में काट लिया है और धो लिया है। अब जो हमारे बड़े पीस हैं उनको हम छोटों में कट कर लेते हैं और हरी मिर्चों को भी काट लेते हैं। हमने गोभी और हरी मिर्च दोनों को काट लिया है। गोभी हमको ऐसी कटना नहीं इतने बड़े पीसों में, इससे ज़्यादा बड़ी कच्ची रह जाती है, इसलिए हम बड़े पीसों में नहीं काटेंगे और बड़ी बड़ी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तेज गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और हम अपना तेल डाल देते हैं इसके अंदर। जब तक हमारा तेल गर्म होता है जब तक हम अपना बेसन घोल लेते हैं पकौड़ों के लिए। 1 कटोरी बेसन इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम नमक, मिर्च, चाट मसाला, बेकिंग पाउडर हम इसलिए डालते हैं जिससे हमारे पकौड़े खस्ता बनाए, और ये अजवाइन है ये हम थोड़ी हथेली पे लेके इस तरह से मैश करके डालेंगे। ये हाजमा करती है, गोभी के पकौड़ों में ज़रूर डालने चाहिए। ये हम ऐसे मैश करके डाल देंगे और इसके बाद हरी मिर्चें ये डालकर हम पानी से इसको घोल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलें, एकदम ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा डालेंगे तो हम पतला हो जाएगा हमारा घोल। इस तरह से हमें अच्छी तरह से ये मिलाना है, हमारे बेसन में गांठे ना बने इसलिए हम इसको मिलाते रहेंगे। हमें मिलाना बहुत अच्छी तरह से है जिससे कि हमारे में गांठे ना रहें। बेसन का पेस्ट जो इस तरह का रहना चाहिए क्योंकि यदि हमारा पेस्ट पतला हो जाता है तो फिर गोभी में लिपटेगा नहीं और पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें इस तरह का पेस्ट रखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पकौड़े बनाने। गैस अपनी धीमी कर देंगे और गोभी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से हम गोभी को इस पेस्ट में मिला लेंगे। हमने अपनी गोभी को इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम हाथ से इसमें से उठा उठा के एक पकौड़ा इसके अंदर डालते हैं। हम गैस को मीडियम कर देते हैं और अपने पकौड़ों को तलने के लिए डाल दिया है हमने। अब इनको हम देख रहे हैं, करीबन 1 मिनट बाद हमारे पकौड़े थोड़े सिक गए हैं। अब इनको हम पलट देते हैं। इनको हमें पूरा नहीं सेकना है, हम हल्का सेकने के बाद ही उतार लेते हैं। अब हम इनको उतार लेते हैं। इस तरह से आप साइड में लगा के एक्स्ट्रा तेल निकाल दें और इनको आराम से निकाल लें। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पकौड़े भी डाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पकौड़े भी उतार लेते हैं। ये जो हमने पहले पकौड़े बना के रखे थे इनको हमने ठंडे हो चुके हैं, इनको अब हम इस तरह से हल्के से दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाने हैं, हल्के से दबाने हैं। कटोरी आप इस तरह की लें और आराम से धीरे से इनको दबा दें, धीरे से सभी पकौड़ों को इस तरह से धीरे से दबा के और फिर हम इनको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इस तरह से एक एक करके हम दोबारा फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। गैस अपनी धीमी रखें।
आप ये थोड़े सिक्के उतार कर रख भी सकते हैं, जब कोई मेहमान आए तो एकदम से आप इस तरह से दबा के गर्म करके सुनहरे करके आप परोस सकते हैं। हमने पकौड़े इस तरह इसलिए दबाए थे कि हमारी गोभी अंदर से भी करारी हो जाए। आप इनको धीरे धीरे पलट लीजिएगा। अब हमारे पकौड़े खाने के लिए तैयार हैं। खाना भी, खिलाना भी, कमेंट में बताना भी। अब इनको हम उतार लेते हैं। अब हमारी शाम की चाय के लिए गोभी के पकौड़े तैयार हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।